सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय लोकतंत्र, जय संविधान। मेरा नाम संदीप कुमार, मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। तो हमारे सभी साथियों को ये ज्ञात होगा कि 5 मार्च को जो भारत बंद हुआ था वो 10% आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर और ईवीएम के विरोध में हुआ था। तो ये जो भारत बंद हुआ था, ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति की बैनर तले पूरे देश में वामन मेसराम साहब के नेतृत्व में किया गया। तो ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा था, तब हम लोगों ने कानपुर देहात में भी ये आंदोलन किया। और इस आंदोलन में बहुत सारे सामाजिक संगठन, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ आदि बहुत सारे संगठनों ने सहभाग किया। और हम लोग इसके विरोध में रोड पर उतर गए थे, तभी प्रशासन के लोग आते हैं और हम लोगों से बगैर कुछ बात किए महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई और किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई। यहाँ तक कि लाठियां नहीं बरसाई बल्कि हमारे लोगों को गोली से भी मारने का प्लान था। और वहाँ पर जो SHO था, अकबरपुर थाना का जो SHO था, उसने गोलियां भी चलाई और अपने राइफल से गोली चला रहा था, तो उसका वीडियो भी सबूत है हम लोगों के पास। तो जब ये आंदोलन हुआ तो हम लोग तितर बितर हो गए थे और सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा था, महिलाओं को बहुत ही बेरहमी से मारा गया। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि पूरे देश में हमारे विरोध में कानून बन रहे हैं, उसके बावजूद विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और फिर भी अगर हम रोड पर उतरते हैं तो प्रशासन के लोग हमारे ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये हमारे नेतृत्व की कमी नहीं थी, हमारा नेतृत्व तो एक संवैधानिक नेतृत्व है। वामन मेसराम साहब हमें संविधान के दायरे में रह के नेतृत्व करने के लिए कहते हैं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि वामन मेसराम साहब ने ऐसे ऐसे नेतृत्वकर्ता पैदा किए हैं कि 20 साल के, 22 साल के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। और उस आंदोलन का नेतृत्व हम और हमारे कुछ साथी, नौजवान साथी कर रहे थे। लेकिन ये पुलिस ने जो लाठियां बरसाई, ये सरकार के एक षड्यंत्र का हिस्सा था। षड्यंत्र का हिस्सा इसलिए था कि कानपुर देहात में हमने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किया है। माती मुख्यालय, जो कानपुर देहात का मुख्यालय है, कलेक्ट्रेट भवन के सामने बहुत बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बहुत बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए। तो ये धरना प्रदर्शन प्रशासन की नज़र में थे, सरकार की नज़र में थे, इसलिए हम लोगों को, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारे अंदर भय पैदा करने के लिए 5 मार्च को इन लोगों ने लाठियां बरसाई। लाठियां बरसाने के बाद हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। जब हमारे दो साथियों को गिरफ्तार किया गया, तो जब हमने देखा कि हमारे दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है, तो हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेसराम साहब की एक बात याद आ गई। वामन मेसराम साहब कहते हैं कि हम जेल जा सकते हैं लेकिन अपने अधिकार नहीं छोड़ सकते। तो हमें ऐसा लगा कि हमें जेल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग गांव गांव जाकर ये प्रचार प्रसार करते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए जेल भी जाना पड़े, लाठियां भी खाना पड़े, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो हमने अपनी गिरफ्तारी दी पुलिस वालों ने, हमने हमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब थाने में ले गए, तो थाने में ले जाने के बाद वहाँ पर जो ऋषिकांत शुक्ला, जो वहाँ का SHO था, उसने उस तरीके से बर्ताव नहीं किया कि वो एक थाने का SHO है, बल्कि उसने उस तरीके से बर्ताव किया कि वो एक ब्राह्मण है। मनुवादी व्यवस्था को अपनी बचाने के लिए वो एक ब्राह्मण की तरीके से उसने हम लोगों को बर्ताव किया, और हमारे ऊपर बहुत लाठियां बरसाई, हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा। उसके बाद एक बार मारने के बाद हम लोगों को कमरे में बंद किया रात में 8-9 बजे। वहाँ के MLC विवेक तिवारी MLC थे, वो थाना अध्यक्ष के कमरे में आते हैं और उनके सामने फिर हमको बुलाया जाता है, फिर मारा जाता है। उनके सामने इसलिए मारा जाता है ताकि वो सरकार को ये सबूत दे सके और विवेक तिवारी उसका गवाह बन सके कि हम लोगों ने इनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया, इनको मार कर इनके अंदर भय पैदा करने का काम किया। ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था। इसके बावजूद हम लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में एक भी बार ऐसा नहीं आ रहा था कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे महापुरुषों ने इससे कठिन कठिन कठिनाइयां झेली, ये तो आम बात है। इसके बावजूद हमको जेल में ले जाया गया। जेल में ले जाने के बाद जब हम लोग गए, तो जेल के बैरक 5 दिन तक बंद रखे गए। किसी भी बैरक का आदमी एक दूसरे के बैरक में नहीं जाता था। वो कारण इसलिए था कि ये लोग 16 लोग, हम 16 लोग, 16 साथी हमारे जेल गए थे। वो इसलिए किया गया ताकि ये लोग उपद्रवी लोग और ये बवाल करेंगे।
लेकिन हमारे आचरण और व्यवहार को देखते हुए जेल के लोग समझ गए कि ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं। फिर हम लोग एक दूसरे के बैरक में जाने लगे, मुलाकात करने लगे, बहुत से हमारे अगल बगल गांव के लोग मिलने लगे, रिश्तेदार मिलने लगे, सगे संबंधी मिलने लगे, वो लोग बातचीत करते थे आखिर किस बेस पे आए। तो जब हम लोग उनसे चर्चा करते थे तो वो हमारी एक बात तुरंत जान जाते, जब हम लोग कहते थे हम लोग 5 मार्च 12 जोड़ में जो दंगा हुआ उस पर आए, तो वो लोग तुरंत जान जाते थे क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गया था जेल में। फिर भी वो लोग हमसे सवाल करते थे तो हम लोग ये कहते थे कि उनको उसी भाषा में समझाया जाए। हमने उन लोगों से कहा कि ये जो लड़ाई हम लोग उन रोड पे उतर कर की, इसमें आपकी भी लड़ाई थी, आप अगर जेल में हैं इसका कारण क्या है? तो वो लोग कहते हैं कि हम निर्दोष हैं और हमारा कोई कसूर नहीं। तो उनको हमने समझाया कि अगर भारतीय संविधान के अनुसार पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व मिला होता तो ऐसो तुम्हारे होते, जज तुम्हारे होते, वकील तुम्हारे होते, तो आप अंदर नहीं होते। तो हमारी बात उनको समझ में आई, वो लोग समझ गए कि ये लोग असली लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जेल के अंदर हम लोग 50-50, 100-100 लोगों की इकट्ठा करके कैडर किया करते थे। जेल के अंदर कैडर करने का मामला ये था कि जेल के अंदर अधिकतर शायद 95% लोग वो बहुजन समाज के लोग थे। अच्छा। और उसमें से जब उनसे एक सर्वे किया, लोग मिलते थे जब उनसे बातचीत करते थे, तो कम से कम 40-50% लोग निर्दोष लोग थे। अच्छा। ये प्रतिनिधित्व का जो मामला है, प्रतिनिधित्व के ना होने की वजह से कितना बड़ा दुष्परिणाम है कि पूरे देश में बहुजन समाज के 50-60% लोग निर्दोष लोग जेलों में थे। तो जब हम लोग वहाँ पे कैडर करते थे, वहाँ मीटिंग करते, तो हमको एक फायदा मिला। जब हम अपने शहर में गांव में रहकर लोगों को जागृत करने का काम करते थे, हम लोग एक गांव में जाते तो 50 लोग बैठे होते थे। हम लोग जब उनको कैडर देते थे, मीटिंग समझाते थे, तो 50 लोग एक ही गाँव के हुआ करते थे। लेकिन जब हम लोग जेल में 50 लोगों को कैडर मीटिंग करते थे, समझाते थे, तो वहाँ एक फायदा हुआ, 50 लोग हैं तो कम से कम 48 गांव के लोग थे। तो ये हमें बहुत ही अच्छी बात लगी कि आज हम जेल के माध्यम से एक साथ एक दिन में 48 गांव में लोगों को, 48 गांव तक अपनी खबर फैला रहे हैं। ईवीएम के विरोध में 10% आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में। और जो लोग निर्दोष लोग जेलों में हैं, हम उनसे कहते थे आपकी लड़ाई भी हम लोग बाहर लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग ये कहते थे कि ये तो जानकारी हमको नहीं है। तो जेल के अंदर से जब हमारे भाई लोग मुलाकात करने गए, तो हमने एक डायरी मंगाई और डायरी में से बहुत से लोगों के नाम नंबर नोट किए। नाम नंबर नोट करने के बाद, उनके घर वालों के नाम नंबर नोट करने के बाद, हमने उनके गांव में कैडर मीटिंग भी किया। ये बहुत बड़ा असर पड़ा हमको, और इससे हम लोग डरे हुए नहीं है, ना हम लोग एक भी डरे, क्योंकि वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने 27 साल जेल में रहकर अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिनका नाम नेल्सन मंडेला था। तो हम भी, ये सौभाग्य की बात है कि अगर हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए अगर 27 साल से भी ज़्यादा जेल में रहना पड़े, तो ये हमारे सौभाग्य की बात थी। ये निडरता अगर किसी ने पैदा की, तो वर्तमान में बहुजन नायक मानवर माननीय मेसराम सामने वो निडरता, वो नेतृत्वकर्ता पैदा की है कि 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का लड़का अपने अधिकारों को पहचान रहा है और नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। तो हमारे लोगों के अंदर जो भावना पैदा हुई, वो माननीय मेसराम साहब की बदौलत है। हम लोग जेल में भी इस वजह से नहीं डर रहे थे कि हमारे साथ में बामसेफ जैसा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है, हमारे अंदर बहुजन विचारधारा थी, निडरता थी, नेतृत्व करता थी, इसलिए हम लोग नहीं डरे। जेल में लगभग हमारे लोगों को 1.5 महीने हम जेल में रहे, और हम लोगों को, हमारे ऊपर लगभग 15 से 16 धाराएं, गंभीर धाराएं लगाई गई, 15 से 16 धाराएं, ज्यादा हमको धाराएं याद नहीं है, वो हमको ज्यादा जानकारी नहीं उसकी धाराओं की, लेकिन 15 से 16 धाराएं लगी थी। ऐसा अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ हो जाता तो वो शायद कभी जेल से बाहर नहीं होता। 5 मार्च को जब हम लोग जेल गए, तो वावन मेसराम साहब ने उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में जेल भरो आंदोलन किया 9 मार्च को, उसका असर दिखा और हम लोगों को 1 से 1.5 महीने में जमानत मिली और हम लोग बाहर आए। तो हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि वावन मेसराम साहब एक बात कहते हैं कि हम अपने अधिकार नहीं छोड़ सकते और जेल जा सकते हैं। तो हम लोगों के अंदर ये चेतना जागृत करनी पड़ेगी, हम अगर जेल भी जाएं या लाठी भी खाएं, उससे बेहतर है आने वाले समय में ये लाठी जो खा रहे हैं इससे आज़ादी मिल जाएगी अभी, लेकिन आने वाले समय में हमारे सामने कत्लेआम होगा, फिर भी हम आज़ादी नहीं ले पाएंगे। तो ये लड़ाई जो है अधिकारों की लड़ाई है। तो अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि एक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी
कि सामाजिक आंदोलन और राजनैतिक आंदोलन में भाग न लेने के कारण अनपढ़ गधे गंवार अत्याचारी बलात्कारी जैसे लोग हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं। वर्तमान में ऐसा है, बहुत सारे सांसद विधायक जो बलात्कारी अन्याय अत्याचारी है और उनके पास कोई विल एजुकेटेड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, और वो लोग पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस आईआरएस के ऊपर अधिकार जमा रहे हैं, उनके ऊपर राज कर रहे हैं। तो हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर के अपने बहुजन समाज 85% बहुजन समाज को बचाने का काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि ऐ मेरे दोस्तों मुझ पर एक एहसान करना, ऐ मेरे दोस्तों मुझ पर एक एहसान करना, अगर मैं मर जाऊँ इस मिशन को चलाते चलाते तो मेरे कफन के कोने कोने में जय भीम जय संविधान जय लोकतंत्र लिखना। सभी साथियों को धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।